बनासकांठा मालधारी समाज द्वारा आज जिला मथक पालनपुर में गौचर की जमीन पर दबाण दूर करने कलेक्टर कचेरी आवेदनपत्र आप रजूआत करती। गौचर की जमीन पर भूमाफियाओ द्वारा मोटा प्रमाण में दबाण करता हो फरियाद उठी रही है, जेना लीधे पशुपालकों की हालत कफोड़ी बनी है। जेने लईने बनासकांठा जिला तालुकाओं में गौचर दबाण हटावा तेमज गौ हत्या पर थता समाधान अटकावा बाबते मालधारी समाज युवानों कलेक्टर कचेरीए रजूआत करती। आ मामले सरकार गंभीर वलण नहीं दाखवे तो मालधारी पशुपालकों गांधी चिंदिया मार्गे राज्यव्यापी आंदोलन करने चीमकी उच्चारी थी। आज रोज अमे बनासकांठा मालधारी समाज द्वारा बनासकांठा कलेक्टर ऑफिसे कलेक्टर साहब श्री ने आवेदनपत्र आया था। गौचर मुद्दे तमज ग्रामीण योजना की अंदर मालधारी समाज साथ खुलेआम अत्याचार बाबते अमे आवेदनपत्र आया था। घना बदा गामडाओं की अंदर मालधारी साथ मनरेगा योजना होय, आवास योजना होय के कोईपण प्रकार की ग्रामीण अन्य योजना होय एना उपर खुले आम अत्याचार थाय छे। गामनी अंदर मारू मनरेगा में नॉम चालतू होय तो मने खुद ने खबर नहीं कि मारू मनरेगा में नॉम चाले छे। तेमज बनासकांठानी अंदर पाछळना 3-4 वर्षनी अंदर गाय ने खेडूत होय के कोईपण होय खुले आम कत्तल करी नाखे छे। एनू करंट मारीने मारी नाखे, कोई झटका मशीन थी मारी नाखे छे, कोई जरी दवा थी मारी नाखे छे अने एना उपर एफआईआर करवामां आवे छे तो तेना उपर कोई कार्यवाही करवामां आवती नथी। अने एना उदाहरण घणा आगळ तमे जोई चूक्या छो अने अत्यारे पण छे ज। एफआईआर करी छतां पण कोई कार्यवाही थती नथी, समाधान थई जाय छे अने समाधान थया पछी खुलेआम ए जे निर्दोष होय छे खुलेआम फरे छे। एना અનુસંધાનમાં અમે બનાસકાંઠા કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા હતા અને આવનાર સમયની અંદર જો આના ઉપર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો હવે પછી અમે કોઈ આવેદનપત્ર આપવાના નથી, કોઈ આવેદન બીજો અમે આપવાના નથી અને જે પણ થશે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી બનાસકાંઠા સરકારની અને ગુજરાત સરકારની રહેશે એની આપ સૌ નોંધ લેજો।